सदियों से ही कई भारतीयों ने इस संसार के मंच को सजाया है। राजनीति, कला, संगीत, शिक्षा और अन्य कई क्षेत्रों में भारतीय जिन्होंने कई अरब लोगों को प्रेरित किया है, लेकिन ऐसे भी कई हैं जो और भी हासिल कर सकते हैं, पर तभी जब उनको ऐसा अवसर प्राप्त हो। इन बच्चों को देखिए, भारत के आंतरिक क्षेत्रों में समाज के प्रमुख वर्ग से तिरस्कृत, कठिन काम करके जीवन बिताते हुए अपने कम पारिवारिक आय को संपूर्ण करने के लिए ऐसे बच्चे जिनके लिए शिक्षा एक सपना मात्र है, लेकिन उनको एक अवसर दीजिए और देखिए वे कैसे परिवर्तन लाते हैं अपने जीवन में, इस समाज में, भारत में। एक व्यक्ति जो किसी गांव में पले बड़े हुए और जिनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा दूर की बात रही, उन्हें यह अनुभूति बहुत पहले हुई। वैलिडेशन ऑफ कल्चर ऑफ अ चाइल्ड इज अ वैलिडेशन ऑफ द चाइल्ड इटसेल्फ एंड देयरफॉर द चाइल्ड्स इंडिविजुअलिटी अलोंग विद इट्स कल्चर कम्युनिटी पेरेंटेज इज टू बी वैल्यूड। एम फॉर सेवा की स्थापना वर्ष 2000 में हुई। आज ग्रामीण भारत में 10 अरब से अधिक लोगों के जीवन में इसने परिवर्तन लाया है। ये गैर सरकारी संस्थान संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ विशेष सलाह स्थिति में है। सेवा के एक नेटवर्क के द्वारा समाज को परिवर्तित करना ही एम फॉर सेवा का दृष्टिगत लक्ष्य है। भूखे को भोजन देना अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा इससे बेहतर है, क्योंकि यह जीवन भर के लिए है और यह एम फॉर सेवा का लक्ष्य बन गया। शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चे के लिए प्राप्त कराना। जबकि सांख्यिकी अंकित करता है कि पंजीकरण 98% है, पढ़ाई छोड़ने वालों का दर अधिकतम 48% है, ऊंची कक्षाओं में यह 62% तक पहुँच जाती है। कारण, अधिकतर पाठशालाएं बहुत दूर स्थित है और आर्थिक रूप से पिछड़े भी हैं। समस्या जटिल थी। बच्चे पाठशाला नहीं जाते हैं क्योंकि वे पाठशालाओं के निकट नहीं रहते। इसलिए एम फॉर सेवा ने एक नूतन प्रयास किया। वे घर को पाठशाला के निकट ले आए। एम फॉर सेवा ने छात्रालय या विद्यार्थियों का आवास बनाया। एम फॉर सेवा आने के बाद मेरा गौरव अच्छे स्कूल में जाता है और अच्छे छात्रालय में रहता है। पाठशाला के निकट छात्रालय होने से यह निश्चित हुआ कि बच्चे नियमित रूप से पाठशाला जाएंगे। आज 14 राज्यों में 80 छात्रालयों में बच्चे प्रकाशमय भविष्य का सपना देख सकते हैं। मेरा बेटा इंग्लिश पढ़ता है, मेरी को इंग्लिश सिखाता है। छात्रालय में किसी भी विद्यार्थी के लिए एक दिन ठीक उसी प्रकार बीतता है जैसे कि स्वयं अपने घर में बीतता हो। बच्चों को भोजन, कपड़े, रहने का स्थान, शाम के समय व्यक्तिगत पढ़ाई सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा और जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों के बारे में शिक्षा आदि प्रदान की जाती है। सभी वार्षिक खर्च का ध्यान रखा जाता है। बच्चे खेल, योगा, शिष्टाचार एवं संपर्क कौशल के कार्यक्रम में भाग लेते हैं और वे पिकनिक, शैक्षिक भ्रमण के लिए भी जाते हैं। तो ये थे तमिलनाडु और उत्तराखंड में स्थित एम फॉर सेवा के छात्रालय। ये अनुभव भारत भर में उत्तर व्याप्त है। एम फॉर सेवा 5 राज्यों में 17 पाठशालाएं चलाता है जिनमें 18,000 छात्र लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा एक विश्वविद्यालय भी है। 5 पाठशालाओं में 4,800 से भी अधिक छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। आश्चर्य की बात है कि तमिलनाडु में मंजकुड़ी की जनसंख्या केवल 2,500 है, परंतु एम फॉर सेवा के कारण लगभग 4,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं। आज लगभग एक दशक के बाद अच्छे परिणाम निकलने लगे हैं। पाठशाला की पढ़ाई को छोड़ने वालों का दर 5 से 10% से भी कम हो गया है। बच्चों में अधिक आत्मविश्वास है, उनके बर्ताव, स्वच्छता और स्वास्थ्य में एक अंकित सुधार है। कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।
छात्रालय ही प्रारंभ थे। स्वास्थ्य सेवा अगला प्रमुख प्रारंभ था। प्रस्तुतः इन्फो सेवा ने 5 अस्पताल, 6 नैदानिक केंद्र और 6 मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों का प्रबंधन किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 अरब लोगों की सेवा की है। उपचार बिल्कुल मुफ्त है। So far, Info Seva has managed 100 projects in 100 months. Although Info Seva started in 2000 officially, it's only in 2001 we started with our first Chhatralay or student home. In the course of these 8.5 years, we have reached out to 18,000 people and 50,000 families living in about 2,000 villages, a total of almost 10 million people. And continuing to grow. The whole purpose of this organization is really a grassroots level movement, by which what we mean is each chhatralay integrated into the local community, so that the local community owns up the chhatralay as their project. So you have truly a network of a large countrywide movement, and that is what Aim for Seva is, an all India movement for Seva. Pratyek bache ka anokha kaushal hai. Aim for Seva उनको पाल पोसते हैं और बड़े होकर अच्छे नागरिक बनने में मदद करते हैं। By my being educated, my family is empowered. An empowered family impacts communities. Empowered communities strengthen society. Empowered societies make a strong nation. If I'm given a chance to redo what I have been doing, I will start Chhatralay. हमारा लक्ष्य हमारे समाज को बोध कराना है, हमारे देश को बोध कराना है। हमारी ये यात्रा इतनी दूर पहुंची ही नहीं होगी यदि इन दाताओं ने अपना योगदान न दिया हो तो। हम उनके प्रति आभारी हैं। इस अभियान में भाग लेने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप भी एक छात्रालय या एक बच्चे के प्रायोजक या एक स्वयंसेवक भी बन सकते हैं।